तो ये मैंने चार्जिंग पे बनाया है, आप देख सकते हो, और इसे अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये रहा हमारा बोर्ड, इसमें आप इस प्रकार से इसको लगा दीजिए। ये देखिए मैंने लगा दिया है और अब इसे ऑन करता हूं मैं। ये देखिए तो इसकी रोशनी देखिए आप, क्या बढ़िया रोशनी है। हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं एक मोबाइल चार्जर से आपके लिए एक इमरजेंसी लाइट बनाऊंगा। और फ्रेंड इस लाइट को आप टेबल लैंप की तरह भी यूज कर सकते हो पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो इसे बनाना बहुत आसान है, इसके लिए हमें यहाँ पर एक चार्जर चाहिएगा। ये मैंने 2 एम्पियर का लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए सैमसंग का चार्जर है ओरिजिनल 2 एम्पियर का, तो एक मैंने ये लिया है, आप 1 एम्पियर का भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक LED स्ट्रिप मैंने ली है 4 वोल्ट की है, ये देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट की LED स्ट्रिप है, और इसके अंदर यहाँ पर ये 15 LED लगी हुई है, ठीक है। तो इतनी ही लेनी है मिनिमम आपको। उसके बाद यहाँ पर 2 प्लास्टिक की यहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रिप लेनी है, ये आप गत्ते की भी ले सकते हो, किसी भी चीज़ की ले सकते हो जो आपके पास है, ठीक है। और एक हमें यहाँ पर USB जैक चाहिएगा, ये देखिए भाई, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जोड़ रखा है, ये देखिए, क्योंकि तार इसका मैं नहीं काटना चाहता। आप चाहे तो छोटा तार करके इसे जितना आपकी ज़रूरत है उतना रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर लंबाई रखा है, ठीक है। तो इस जैक को मैं सीधा यहाँ पर लगा दूंगा कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए मैंने लगा दिया है, और अब यहाँ पर ये जो इसके तार है, ये देखिए एक रेड है और एक वाइट है, ठीक है। तो व्हाइट वाला तो यहाँ पर माइनस है और रेड वाला इसका प्लस है, ठीक है। तो ये जो हमारी पत्ती है आप देख सकते हैं, इसमें भी यहाँ पर प्लस और माइनस लिख के रहते हैं। आपको मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दूँ, ये देखिए इधर वाला प्लस लिखा हुआ है और इधर वाला माइनस, ठीक है। तो ये जो प्लस है इस पर हम यहाँ पर इसका रेड लगा देंगे वायर, और माइनस पर लगा देंगे वाइट, ठीक है। तो चलिए मैं लगा करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ उसको ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए रेड ये रहा था, तो रेड पर मैं रेड यानी प्लस पर मैं रेड लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर दोनों तार को लगा दिया है, और ये भी ध्यान रखना है आपको कि नीचे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लग चुके हैं दोनों वायर। और ये जो पत्ती है इनका यूज़ हमें क्या करना है, थोड़ा और नीचे कर दूँ मैं, देखिए इन पत्ती को कैसे हमें यूज़ करना है। अगर आपको इसे सीधे इस प्रकार से बोर्ड में लगाना है, तो चलिए मैं लगा कर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये रहा एक्सटेंशन बोर्ड, ये देखिए ये भी मैंने बनाया था, इसकी वीडियो आप देख सकते हो। तो अगर हमारा बोर्ड ऐसे दीवार में ऐसे होता है ना लगा हुआ, तो अगर आप इसको ऐसे लगाते हो, ठीक है, ऐसे, ये देखिए मैं लगा दूंगा, और देखिए जैसे मैंने लगाया और यहाँ पर हमारी लाइट कितनी बेहतरीन है। भाइयों मेरे रूम में बहुत ज़्यादा लाइट है, इसलिए आपको ये लाइट कम दिख रही होगी, वैसे मैं अंधेरा करके भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं चिपका करके भी आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो ये पत्ती जो है इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको हल्का सा इस पे LP डाल देता हूँ, और अब चलिए इस यहाँ पर इस पट्टी को इस प्रकार से यहाँ पर इस चार्जर पे इस प्रकार से चिपका देते हैं हम, बिल्कुल बीच में हमें चिपकानी है, ये देखिए, ठीक है। थोड़ी देर आपको पकड़ के रखना है, तो ये चिपक जाएगी, ये देखिए हल्के से मैंने पकड़ के रखी और ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चिपक गई है, ये देखिए, ठीक है भाइयों। और अब हमें यहाँ पर ये जो हमारी स्ट्रिप है ये, तो ये हमें यहाँ पर चिपकानी है, ठीक है। और इसे भी चिपकाने के लिए हम यहाँ पर LP का ही यूज़ करेंगे, तो चलिए यहाँ पर भी LP लगा देता हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल बेसिक सा एक प्रोजेक्ट है ये, आप आसानी से घर पर बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर LP डाल दी है, और अब इस प्लेट को हम यहाँ पर इस प्रकार से चिपका देंगे, बहुत ही आसानी से चिपक जाती है, देखिए रखते ही चिपक गई, इतनी बहुत जल्दी चिपकती है, ठीक है भाई। ये है हमारा यहाँ पर इमरजेंसी लाइट, ये जो पट्टी यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी चार्जर आपके घर होता ही है, तो मान सकते हो आप 5 रुपये में ये आपका लाइट तैयार हो गई, और बहुत ही बढ़िया लाइट देता है ये। तो अब देखिए मैं इसे यहाँ पर आपको चला करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, तो इसमें देखिए मैं लगाऊँगा, और ये मैंने लगाया, और लाइट देखिए भाइयों इसकी आप, ये थोड़ा सा मुझे रोकना पड़ेगा कुछ यहाँ पर लगा करके। तो ये देखिए लाइट देखिए, चलिए मैं आपको अंधेरा करके दिखा देता हूँ कि कितनी बढ़िया इसकी लाइट है, ठीक है। तो भाइयों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रूम में अंधेरा कर दिया है, और अभी आप देखिए, ये देखिए कितनी बढ़िया, ये सिर्फ अभी इसी की लाइट है मेरे पूरे रूम में, और आप देख सकते हो यार एकदम क्लीन लाइट है। और इसे लगा करके आपको किसी और लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने पूरे रूम में, इतनी बढ़िया ये लाइट यहाँ पर दे रहा है, बिल्कुल फुल फ्लैश लाइट है, ठीक है। और कितने में, मात्र 5 से 7 रुपए में तैयार हो गई, ठीक है। तो लाइट के लिए आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। अब चलिए मैं पहले रूम की लाइट ऑन कर दूँ, उसके बाद में इसे और तरीके से कैसे यूज करते हैं वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाइयों मैंने रूम की सभी लाइट ऑन कर दी है, और
देखिए हमारा यहाँ पर लैंप इस प्रकार से कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। अब हम इसे दूसरी तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये मुड़े वाली पत्ती यहाँ पर लगानी पड़ेगी इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे मैं उखाड़ देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये मैंने उखाड़ दी, बहुत आसानी से उखड़ जाएगी ये, ठीक है। आप घर में पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए तो लैंप आपको तिरछा चाहिएगा। तो जैसे ये चार्जर है हमारा, ये चार्जर, ठीक है, तो एक्सटेंशन बोर्ड ऐसे ही रखा रहता है, अगर नीचे टेबल पर रखोगे आप ऐसे ही रखा रहेगा, ठीक है। तो उसमें आप चार्जर को ऐसे लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे ही तो लगाएंगे। तो हमें ये जो हमारा लैंप है ये हमें कुछ इस प्रकार से चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर मुड़ जाएगा, है ना। इसको मैं थोड़ा सा मोड़ करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो मैंने ऐसे ही मोड़ दिया, वैसे आप मुड़ी हुई पत्ती भी ले सकते हो, जैसे आपको मर्जी वैसे आप ले सकते हो। ये देखिए मैंने मोड़ दिया है, आप देख सकते हो ये मैंने मोड़ दिया, ठीक है। तो ये पत्ती मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक है भाइयों। ये देखिए, अगर मैं इससे यहाँ पर चार्जर पे इस प्रकार से इस पत्ती को लगाऊँ तो ये देखिए पूरा आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब एकदम लैंप बन जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए इसको मैं पहले चिपका ही लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं एलपी डालता हूँ हल्की सी, ये देखिए, ठीक है भाइयों, ये दिख रहा है ना, एलपी डाल रहा हूँ मैं, ये देखिए। तो ये देखिए मैंने एलपी डाल दी है, आप देख सकते हो यहाँ पर एलपी। और अब चलिए इसको यहाँ पर मैं इस चार्जर के साथ में इस प्रकार से लगा देता हूँ। ये देखिए भाइयों, एलपी मैंने यहाँ पर डाल दी है, और अब देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये हमारा लैंप तैयार हो चुका है, ठीक है। अब चलिए इसको यहाँ पर मैं इसके सर्किट के साथ में यानी चार्जर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए इसमें यहाँ पर इसके अंदर जो कैपेसिटर है ना, उनका करंट था, ये एकदम से फ्लैश हुआ ना, तो उनका करंट था ये इसके अंदर, थोड़ा सा करंट रहता है। तो अब देखिए इसको यहाँ पर जैसे आप इसमें लगाएंगे ना बोर्ड में, तो ये देखिए इस प्रकार से काम करेगा। ये देखिए भाइयों, ये हमने लगा दिया और रोशनी देखिए, गजब रोशनी एकदम बढ़िया। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर, एक बार मैं और अंधेरा करके आपको दिखा दूँ। तो देखिए भाइयों, मैंने अंधेरा कर दिया है, और अभी देखिए ये सिर्फ लैंप की लाइट है। आप देखिए बिल्कुल आसानी से आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लाइट है इसकी, और मात्र 5 से 7 रुपए में ये पूरा सर्किट हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी चीज़ रखिए बिल्कुल साफ सुथरी आपको नजर आएगी। तो बहुत ही बढ़िया लाइट है ये देखिए, एकदम पावरफुल लाइट है, और फ्रेंड मात्र 5 से 7 रुपए में ये पूरा सर्किट तैयार हो गया, क्योंकि हमें बस ये पत्ती तो चाहिए, बाकी तो सर्किट हमारे घर ये मिल ही जाता है। ये चार्जर भी मिल जाएगा, यूएसबी केबल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो भाइयों, मैंने रूम की लाइट ऑन कर दी है, और अभी भी देखिए ये सर्किट हमारा काम कर रहा है। ये देखिए भाइयों कितना बढ़िया रोशनी दे रहा है यार, सिर्फ 5 से 7 रुपए में ये मैंने रेडी कर दिया है। देखिए एकदम छोटा सा जुगाड़ है और बहुत ही पावरफुल लाइट देता है, आपको घर में बल्ब भी लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी बढ़िया इसकी लाइट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये जुगाड़ आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।